तो भाई आज हम जा रहे हैं नासिक एंड प्लान बहुत दिन से चल रहा था जाने का, बट आज फाइनली हम जा रहे हैं। एंड अभी तो नॉर्मली बारिश चालू है, बज चुके हैं 7, तो निकलने को रेडी है। बट बारिश की वजह से भूषण का कहना है कि थोड़ा रुक जाते हैं, बट शायद से बारिश यहाँ पे होगी, आगे शायद से होगी या नहीं होगी देख लेंगे। और अगर आगे कहीं जोर की बारिश लगती है तो भाई रुक जाएंगे, जहाँ भी जगह मिले रुकने की वहाँ पे। अभी तो हम रेडी है, सीट रेडी हो रहा है, भूषण भी रेडी है, दो बाइक एंड हम 3 यार, तो चलो फिर। अभी तो देसी जुगाड़ करके हमने हेलमेट रेडी किया है, अभी कैसे जुगाड़ किया वो भी बाद में दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। पर अभी मैं लगाऊंगा नहीं, देखते, तो मिलते आगे। बारिश कम हुई तो ही मैं कैमरा लगाऊंगा, नहीं तो फिर देखते, जहाँ पे भी बारिश कम होती है आपको दिखाऊंगा नेचर। चलो फिर मिलते आगे। तो ये आगे आप देख रहे हो लविंग फोर्ट, लविंग किला धुलिया में है। आप आ सकते हो, एक अच्छी जगह है, ऊपर बहुत से अच्छी अच्छी जगह है देखने जैसे। बड़ा किला नहीं है बट हाँ देखने जैसा है। हम जाएंगे कभी, उसे भी शूट करेंगे जल्द ही। प्लीज़ वेयर अ हेलमेट, हेलमेट नहीं पहना है भाई ने, कोई बात नहीं। देखो भाई, आपके पास अगर प्रॉपर गियर्स नहीं है, राइडिंग गियर्स, कोई नहीं चलता है, बट यार एटलीस्ट हेलमेट तो भी रहना चाहिए। हेलमेट का रीज़न सबको पता है तो भाई, ट्रिप्सी। अभी हम बात कर रहे थे हेलमेट की और ये भाई साहब ट्रिप्सी लेके चल रहे हैं और पीछे इतना बड़ा लोड है यार, कैसे कर लेते हो।
एंड आप देख सकते हो यार क्या मौसम हो रहा है यार, असली मज़ा ना यही है राइड का। बाप रे भाई, खास करके भूषण भाई ये सीन दिखाने के लिए रुका है हमें, तो सीन देख सकते हो आप, मतलब जवाब नहीं भाई यार यार। टाइम तो भूषण का कहना ऐसा है कि ऊपर जाना क्या, बट बात ऐसी है कि हमें नासिक जाना है ना कि यहाँ पे, तो हम नासिक ही जाएंगे क्योंकि नासिक में हमें अपने भाइयों से मिलना है, फैमिली से मिलना है। यहाँ पे किसी और दिन आएंगे, इस प्लेस की भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। देखने जैसा तो बहुत कुछ लग रहा है, ऊपर रास्ता भी है वहाँ से, दिख रहा होगा आपको, तो जा सकते हैं बस। सही सही है, सही है। करना है बोलू सकते हैं चल तो फोटोशूट हो चुका है, निकल चुके हैं। तो भाई हमारे साथ एक सीन हो गया था, हमने गाड़ी का ऑयल ही चेक नहीं किया और थोड़ा सा बचे हम इंजन लॉक होते होते। अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। भाई सीन ऐसा है, मुसीबत एक नहीं है, बहुत सी आई अभी तक। त्र्यंबकेश्वर जहाँ हमें जाना था, ब्लॉग बनाना था, जहाँ वीडियो बनाना था, भाई वो ही बन गए, मतलब वहाँ जाने नहीं दे रहे। तो अगर कोई त्र्यंबकेश्वर का प्लान कर रहा है तो भाई फिलहाल तो वो बंद है, प्लान मत करो। अभी हम पहिना जा रहे हैं, पहिना या भैया कुछ तो नहीं कहा,
आ गई है वहाँ पे, अच्छे अच्छे वाटरफॉल देखने जैसा अच्छी जगह है वहाँ पर, जहाँ हमारी एक नज़दीकी दोस्त ने कहा, तो बस आ जा रहे हैं। और उसके ही आगे एक 5-10 किलोमीटर पे हरिहर फोर्ट है, तो भाई हम तो अब से राह देख रहे हैं फोर्ट किला जाने की। तो अगर देखते हैं जैसे अगर होता हुआ, महीना नहीं जाते यार महीना, तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। हो चुका है एक किस्सा, मैटर ऐसा हुआ कि पहले पता चला कि त्र्यंबक बंद है, मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। एंड हम जहाँ जाने वाले थे पहिना, वहाँ पे भी बारिश की वजह से हमको जाने नहीं मिला, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से चल रही वहाँ पे। एंड हमारे पास एयरपोर्ट नहीं, हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं किए, बस निकल गए थे घर से। एंड अभी पता चल रहा है यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ी से चल रही है, तो भाई हेल्थ की चिंता पहले करते हुए हम यूटर्न मारते हुए फिर से जा रहे हैं। तो बस वीडियो का एंड करना था, इसलिए रुके नासिक के बाहर, आप पीछे देख रहे हो नासिक। एंड पूरी प्रिपरेशन के साथ आए नहीं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मानता हूँ पहली राइड थी। एंड पहली राइड में ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट पहली राइड में बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली। रेनकोट लेके आते तो शायद से हम आगे भी जा पाते, त्र्यंबक नहीं जा पाए ना, वो एक प्लेस थी वहाँ जा पाए। तो ठीक है, दोपहर में 2 बजे से लेकर 4, 4:30, 5 बजे तक भूषण के भाई के घर रुके थे हम, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, मैंने बताया बारिश की वजह से हमको कहीं जाते नहीं आया। एंड चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा नासिक आके, पहले भी आके गया हूँ, मेरी मौसी आई रहती है, भूषण का भाई भी आई रहता है, तो अच्छा लगा नासिक आके। एंड ब्यूटीफुल सिटी है, आगे आएंगे तो और भी कवर करेंगे, और अगर बारिश में आएंगे तो रेनकोट ज़रूर लेके आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। एंड वीडियो को शेयर करना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड ठीक है, बट होप लेके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। त्र्यंबक नहीं जा पाए तो नेक्स्ट टाइम। एक बात सही है हम लोगों की कि उम्मीद नहीं छोड़ी है, नाराज़गी के साथ नहीं जा रहे, एक्साइटेड एंड फुल्ली चार्ज होके जा रहे। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में, और कुछ कहना है? चलो फिर मिलते हैं। ये बहुत सो रहा था, सुबह से सो रहा है पीछे बैठ के, अभी इसको गाड़ी चलाने दूंगा और मैं पीछे बैठूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी ब्लॉग में, देखेंगे और कहीं जाते आए तो जाएंगे, प्लान तो बहुत है करेंगे। तो फिर गुड बाय।